हेलो, आई एम हूहू। आज मैं सभी को एक डरावनी फिल्म द जैक इन द बॉक्स बताऊंगा। मेन लीड जॉन एक कल्चरल एग्जीबिशन सेंटर में इंटरव्यू के लिए गए थे, लेकिन इंटरव्यूअर यंग मैरी है। जॉन बहुत लिटरेट है। इस प्रक्रिया में उन्होंने मैरी को काम के प्रति अपना एटीट्यूड सीरियल दिखाया, इसलिए मैरी उसे हायर करने में संकोच नहीं करती। लेकिन जैसे कि जॉन चारों ओर देखता है, उन्होंने अचानक कोने में एक विचित्र बॉक्स को देखा। ऊपर सील पर एक कागज भी है। ध्यान से इसे टेबल पर रखने के बाद मैरी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। उसने भी बॉक्स को पहली बार देखा था। उसके ऊपर चार लेटर लिखे हुए हैं। जॉन इनमें से एक को चलाता है। बॉक्स के बगल में ही एक धुरी दिखाई देती है। फिर उसने उसे घुमाने की कोशिश की और पता चलता है कि ये एक म्यूजिक बॉक्स है जिसमें से एक आवाज आ रही है। अगले ही पल वो दोनों डर गए जब उसमें से एक भद्दा सा जोकर बाहर आ गया। मैरी को अभी भी कहीं न कहीं कुछ गलत लगता है, लेकिन जॉन को सिर्फ एक मजाक लगता है। वो अभी भी जोर से हंस रहा था। ये अकल्पनीय था लेकिन डरावना भी था। देर शाम दो चोर एग्जीबिशन सेंटर में घुस गए। उन्होंने पैसे के लिए दस्तावेजों को चुरा लिया, जबकि एक आदमी ने कलाकृतियों को अफवाह बताया। दूसरे आदमी को अचानक अपने दोस्त पर एक मस्खरा दिखाई देता है। उसकी आंखों में जोकर की शक्ल दिखाई देती है। इस आदमी ने उसका अपमान करते हुए कहा कि जोकर बेहद बदसूरत लग रहा था, लेकिन बाद में फिर वो जोकर से अपने जीवन को नहीं बचा पाया। एक सीधा हाथ बाहर निकला और फिर काला पंजा बाहर आया। इस चोर को तुरंत बॉक्स में घसीटते हुए पूरी प्रक्रिया चुपचाप हुई। दूसरे ने कलाकृतियों को ले लिया है। जब दोस्त को निकलने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन एग्जीबिशन सेंटर में तो कोई नहीं है, बल्कि किसी की छाया तक नहीं है। फिर गलियारे में एक छाया दिखाई दी। वो पूरी तरह से भयभीत था। जल्दी से उसने अपनी नाक और मुंह ढक लिया। वो भी जोकर द्वारा लाया गया था। पुराने बॉक्स में भी संख्या को 2 में बदल दिया। अगले दिन जॉन हमेशा की तरह काम पर गया। वो बॉक्स में बहुत इंटरेस्टेड था। बॉक्स पर रिसर्च करने के लिए एक एक्सपर्ट की तलाश करता है। एक्सपर्ट द्वारा बॉक्स के पैटर्न को देखने के बाद वो तुरंत जॉन को बॉक्स की उत्पत्ति बताता है। ये पता चला कि जैक इस बॉक्स में था जिसका इस्तेमाल विद्रोही काल में किया गया था, लेकिन अब वो इधर उधर दिखाई दे रहा है, जिससे साबित होता है कि कुछ बुरा होगा। ये सुनने के बाद जॉन मुस्कुराया। वो एक नास्तिक था जो राक्षसों में विश्वास नहीं करता था। ये सिर्फ अप्रत्याशित था कि वो विश्वास करने वाला था कि आज एक लड़की म्यूजियम में आई। जॉन ने उसकी वजह को और खुशनुमा बनाया। कठपुतली ने लड़की को भी मार डाला और बॉक्स पर संख्या भी 2 से 3 में बदल गई। जब जॉन ने नीचे चलने की आवाज सुनी, ऊपरी मंजिल पहले की तरह चुप थी और विजिटर लड़की गायब थी। जॉन को विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई, बस डर था कि ये बॉक्स है। उसने अब और बात करने की हिम्मत नहीं की। जॉन ने कठपुतली से जुड़ी कहानी की जांच के लिए जल्दी से ऑनलाइन सर्च किया। जैसा कि अपेक्षित था, वास्तव में इंटरनेट पर कुछ समाचार था जिस पर लिखा था कि केवल कठपुतलियां दिखाई देंगी। मुख्य रूप से वो बदला लेना चाहता है, लेकिन मुख्य परिणाम 6 लोगों को बलिदान करने की आवश्यकता है। यदि नहीं तो कठपुतली लोगों को मार डालेगी। ये पढ़ते समय जॉन फिर से मुस्कुराया, लेकिन जैसे कि वो हंसा, मेज पर कठपुतली भी उसे देखने के लिए मुड़ी। इस समय म्यूजियम के क्यूरेटर ने भी जॉन को ये कहते हुए पाया कि एग्जीबिशन कुछ दिनों में आयोजित किया जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि जॉन ने इसे पूरी तरह से व्यवस्थित किया है और यहाँ सफाई की आवश्यकता है। अगले दिन एक चौकीदार दरवाजे पर म्यूजियम में हर जगह सफाई करने के लिए आया था। गलती से छिपे हुए कठपुतली को देखने के बाद वो मदद नहीं कर सकती, लेकिन मंत्र का जाप कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से नहीं बोलने और समझने के परिणाम पपेट फिर से गुस्सा हो गई। उसने देखा कि स्थिति सही नहीं थी, तुरंत दरवाजे से बाहर निकले। जो जानते थे कि बॉक्स सीधे सीढ़ियों पर पीछा कर रहा है। इस टाइम जेनेटर पूरी तरह से डर गई थी और अवसर ढूंढ रही थी सीढ़ियों से नीचे आने के लिए, लेकिन अंत में वो शैतान के चंगुल से भाग नहीं सकी। एक बार फिर से बॉक्स की ओर कठपुतलियों द्वारा मजबूती से घसीटा गया, ठीक उसी तरह जैसे कई अजीब लापता लोग थे। पुलिस ने भी जांच की। चूंकि सभी लोग म्यूजियम से गायब हो गए थे, निश्चित रूप से इस तरफ से भी जांच हुई थी। पुलिस पूछताछ के लिए जॉन की तलाश में है। वो जवाब देता है कि सभी बॉक्स से संबंधित हो सकते हैं। पुलिस उन पर भरोसा नहीं करती और सोचती है कि ये किसी आदमी ने किया है और उन्हें किसी को पकड़ना ही होगा। जॉन को कोई ठोस सबूत चाहिए था जो वो पुलिस को साबित कर सके। रात आई, जॉन ने विशेष रूप से कैमरा रखा जहां कठपुतलियों को संग्रहित किया गया था। ये पता चला कि वो उसे देखना चाहता था। उसने आधी रात में फिर से संगीत सुना। जल्दी से इसे देखने के लिए जॉन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने बॉक्स में कठपुतली को क्रॉल करते देखा। इसने जॉन पर हमला किया, सौभाग्य से प्रोटैगनिस्ट की ऑरा के रक्षा के साथ। जॉन ने सफलतापूर्वक अपने जीवन को बचा लिया। अगले दिन मैरी को इस मामले को बताने के लिए मैरी को ढूंढा। मैरी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कैमरा भी खराब हो गया, सबूत भी खराब हो गया। जॉन को कोई तो समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। वो जोकर को हमेशा बुरा काम करते नहीं छोड़ सकते थे। रात में वो बॉक्स को उपनगरों में लाया उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे। जब जॉन सेंटर में लौटे तो बॉक्स फिर से वहीं था। जोकर ने अपना मूल रूप भी दिखाया। जॉन के साथ जमकर लड़ाई हुई। सौभाग्य से जॉन फिर से भागने में सफल रहे। अगले दिन उन्होंने ये कहानी केंद्र के निर्देशक को बताई, लेकिन डायरेक्टर ने उस पर भरोसा नहीं किया और उनको लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। जॉन बाहर भाग गया मूल बॉक्स को सील करने वाले कागज पर लिखे पते पर संबंधित एक्सपर्ट्स को ढूंढने के लिए। ये जानकर कि जॉन 2 बार जोकर जैक से लड़े थे, एक्सपर्ट कल्पना नहीं कर सकते थे जैक के लिए केवल 2 मुमकिन ऑप्शन थे।
पहला कि इसे 6 लोगों को मारने देना और फिर ये गायब हो जाएगा, और दूसरा इसे सील कर दो फिर ये गायब हो जाएगा। दो विकल्पों के साथ जॉन ने बाद वाला चुना। विशेषज्ञों ने उसे एक मंत्र भी बताया, कहा कि तुमको केवल जैक के दिल को तलवार से मारने की जरूरत है, फिर इस मंत्र का पाठ करना जोकर बॉक्स में सफलतापूर्वक सील हो जाएगा। लेकिन इन बातों को याद करते हुए सेंटर को एक समस्या थी। सेंटर डायरेक्टर ने ये नहीं माना कि ये एक क्लाउन था। उन्होंने सेंटर ब्रॉडकास्ट म्यूजिक सुना, आवाज सुनी, इसलिए वो देखने के लिए जगह पर गए कि क्या था। डायरेक्टर को भी क्लाउन ने एक बार अपना टारगेट बनाया। डायरेक्टर को क्लाउन से खतरा हुआ, ये संख्या भी बदलकर 5 हो गई। उसी समय मैरी म्यूजिक लौट गई। उसने खून का एक पूल देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बॉक्स चुपचाप दिखाई दिया, जोकर की अंदर से मूल छवि दिखाई दी। यहां तक ये देखकर कि वो उसे एक घातक झटका देने वाला था, जॉन तुरंत जोकर को रोकने के लिए आया। वो उससे लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने उसको जमीन पर गिरा दिया। अब मैरी बेहोश हो गई थी। ये देखकर कि जोकर उसे बॉक्स में खींचने वाला था, जॉन ने सीधे अपनी तलवार पीछे से खींचा और उसके दिल पर वार किया। जोकर की पीठ और पेट में चूरा घोंप दिया। वो चीखने लगा, जिसे देखकर जॉन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जोकर बॉक्स में वापस आ गया। जॉन ने सफलतापूर्वक बॉक्स को सील कर दिया। सभी नाटक यहां से समाप्त होते हैं, लेकिन अब जॉन मैरी को उठाना चाहता है। कई पुलिसकर्मियों को पता था कि वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और आर्टिफैक्ट एग्जीबिशन सेंटर देखा था। मैरी कोमा में है। उन्हें लगता है कि जॉन अपराधी है क्योंकि वो गायब था, इसलिए वो उसे पुलिस पूछताछ में ले गए। दूसरी तरफ मैरी जाग गई थी। वो जानती थी कि बॉक्स खतरनाक था और इसलिए वो उसे दफनाने की तैयारी में थी। बॉक्स के शैतान को स्थायी रूप से जमीन में दफन किया जा सकता था, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? बहुत जल्दी मैरी ने बॉक्स को दफन कर दिया और फिर वो जॉन की जमानत के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी। लेकिन बॉक्स की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जोकर ने मैरी पर अपना पंजा उठाया, उसने उसे वापस बॉक्स में खींच लिया। जैसा कि जोकर ने 6 लोगों को मार डाला, उसने सफलतापूर्वक नए दौर का बदला पूरा किया। क्या आपको लगता है कि जोकर अभी भी वापस आ जाएगा? कमेंट करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।